सीटीसल 2021 का पूछा हुआ एज इट इज सवाल है, और जब आप सीटीसल 2021 का अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो तो 150 सवाल प्रॉफिट लॉस के आए थे, जिसमें से 5-6 टाइप के थे। बनाओ अंडर सेल ऑफर, एक सेल ऑफर के दौरान तनवीर को ऑफर किया गया 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश, बट हैड टू ऐड 1.2% मोर ऑन द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। इफ तनवीर पेड 75% ऑफ द मार्क प्राइस इन कैश एंड द रेस्ट थ्रू ए क्रेडिट कार्ड, व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। मतलब पूछा है कि फाइनल पेमेंट जो है उसके मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस 100 रुपये, मैंने 100 रुपये मान लिया। अब सुनो, कैश में अगर आप पेमेंट करोगे तो एमआरपी का जितना हिस्सा आप कैश में दोगे उस पर 32% की छूट मिलेगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे करोगे तो डिस्काउंट तो छोड़ो 1.2% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब 75% उसने कैश दिया है बाकी क्रेडिट कार्ड से, तो जैसे मार्क प्राइस 100 है तो 100 का 75% मेरे दोस्त उसने कैश किया है, बाकी बचा 25 क्रेडिट कार्ड से किया है, तो 75 के हिस्से पे 32% का डिस्काउंट मिलेगा ना। अब 75 का 32% क्या होता है भाई, 32% की फ्रैक्शनल होती है 8/25, 25 या 75 यानी कि 24, तो 24 का मेरे दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा 75 पे, और इस 25 पे मेरे दोस्तों 1.2% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर 25 का 12% आप देखेंगे तो कितना आता है मेरे दोस्तों, 3, तो 1.2% कितना आएगा 0.3, 25 × 12 = 300 होता है, तो 25 × 1.2% कितना आएगा मेरे दोस्तों 0.3, यानी कि आपको 0.3 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यानी कि आपका मार्क प्राइस था 100, तो 100 में से 75 पे आपको 24 का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस 25 पे आपको 0.3 एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो आपने टोटल पे कितना किया मेरे प्यारे भाई, आपने टोटल ये पे किया है, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 25 - 24 1 हो गया, 75 और 1 76, 76 में 0.3 ऐड करेंगे तो 76.3 आपने पे किया, तो फाइनल पेमेंट आपकी 76.3 रुपए की है। एमआरपी है 100, तो 100 का 76.3 कितना परसेंट होता है, ए ऑप्शन 76.3%।